सीरियसली क्या ही मंथ रहा है ना, मतलब फरवरी का मज़ा आ गया क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए। और इसी वजह से ना मैंने एक वीडियो में आपको ये बोला भी था कि अभी फ़ोन मत परचेज करो फैब में, क्योंकि वो सिर्फ तमाशा देखने वाला टाइम चल रहा था। लेकिन अभी मार्च शुरू हो गया और ये एग्जैक्टली में वो टाइम है जहाँ पर आप इतने वाइड वेराइटी ऑफ ऑप्शन में से अपने लिए एक अच्छा फ़ोन चूज़ कर सकते हो। वैसे मैं हेल्प करूँगी आप लोगों की, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है 20-25 हज़ार में कोई बेस्ट फ़ोन बता दो, वो भी मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और रिक्वायरमेंट सबकी अलग अलग होती है। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ ऑप्शंस आपको बताने वाली हूँ जो आप परचेस कर सकते हो। और वैसे भी होली की सेल वगैरह आ रही है तो अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए अभी शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहला स्मार्टफोन है, ये मैंने उन लोगों के लिए स्पेशली इंक्लूड किया है जिनको एक बैलेंस्ड स्मार्टफोन की रिक्वायरमेंट है, साथ ही में जिनके लिए ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा मैटर करती है। देन उस केस में आप चूज कर सकते हो OnePlus Nord CE 2 5G को। देखो, एक टाइम होता था ना कि जहाँ पर OnePlus के स्मार्टफोन्स इतना ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं होते थे हर किसी के लिए, लेकिन अभी उनकी जो ये स्ट्रेटजी अपनी Nord और CE सीरीज़ के साथ की है, इसको मिड रेंज में भी लाया जाए, तो वो स्ट्रेटजी एक्चुअली में वर्क कर रही है, बिकॉज काफ़ी लोग ब्रांड की वजह से स्मार्टफोन परचेस कर रहे हैं। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, ये फ़ोन ऐसा नहीं है कि मतलब कॉम्पिटिशन्स को बिल्कुल ही किल कर दे, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है इस फ़ोन में जो मतलब बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप देखने को मिल रही है। लेकिन इस फ़ोन में कोई भी ऐसा फीचर भी नहीं है जो मतलब इस फोन को नेगेटिव बना रहा है, हर चीज को बैलेंस किया हुआ है। आपको यहां पर डिस्प्ले एमोलेड विद इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, परफॉर्मेंस सही मिल जाएगी, कैमरास फोन के सही है, यहां पर फोन में ठीक ठीक 5G बैंड्स का सपोर्ट दे रखा है, लुक्स अच्छे हैं लेकिन प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है, तो वही मैनेज किया है कुछ चीज़ों को बैलेंस बनाने में। बट इस फ़ोन की अगर मैं USPs की बात करूँ तो इनका ऑक्सीजन OS जो आप इस प्राइस में एक्सपीरियंस कर सकते हो। सेकंड, फ़ोन के अंदर आपको 65 वॉट की चार्जिंग मिल जाएगी, जो अगेन काफ़ी सही चीज़ है। बस एक चीज़ का ध्यान रख सकते हो कि फ़ोन में स्टीरियो स्पीकर्स नहीं है, सिंगल बॉटम फायर स्पीकर्स हैं, बट अच्छे खासे लाउड है तो मुझे लगता है उसको लेके इशू आएंगे। लेकिन हाँ, मैं ये बोलूँगी कि अच्छा स्मार्टफोन है जिसकी तरफ आप डेफिनेटली बढ़ सकते हो अगर आपको ब्रांड वैल्यू भी मैटर करती है तो। एनीवेज, इस लिस्ट में मैं आपको जितने भी फ़ोन बता रही हूँ ना, देखो सभी को मैंने पर्सनली यूज़ किया हुआ है, रिव्यूज़ या फिर कंपैरिजन वगैरह भी बनाया है, तो अगर आप चेकआउट करना चाहते हो उन सबको तो नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लेकिन अभी अगर मैं अगले स्मार्टफोन की बात करूँ तो ये रिसेंटली लॉन्च्ड डिवाइस नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आपको सबसे बेस्ट टाइप के कैमराज चाहिए देन आप इस फ़ोन को ले सकते हो। अच्छे खासे प्रॉपर ऐसे 11-12 5G बैंड्स का सपोर्ट चाहिए वो आपको मिल जाएगा, और ये पूरी लिस्ट में से ऐसा फ़ोन है जहाँ पर आप कॉल्स रिकॉर्ड कर सकते हो, मतलब कि गूगल डायलर नहीं दिया हुआ है। काफ़ी लोग गैस कर चुके होंगे बट स्टिल सैमसंग गैलेक्सी M52 5G के बारे में बात हो रही है। काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है, एमोलेड पैनल विद 120Hz डिस्प्ले यहाँ पर दी हुई है, और फ़ोन के कैमराज, बिलीव मी, आज भी कई सारे फ़ोन्स को जब मैं रिव्यू करती हूँ ना तो इस फ़ोन के कैमराज के साथ ज़रूर कंपेयर करती हूँ, क्योंकि जिस तरह की स्किन टोन्स शार्पनेस ये रखता है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगी है। तो इन चीज़ों के लिए आप इस फ़ोन को ले सकते हो। अभी कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँ जिसका आप ध्यान रख सकते हो, तो वो ये कि आपको बैटरी बैकअप अच्छा मिल जाएगा, लेकिन चार्ज करने के लिए सिर्फ 15 वॉट का चार्जर बॉक्स में दिया हुआ है, 3.5mm का जैक नहीं है यहाँ पर, एंड थर्ड, प्लास्टिक बिल्ड के साथ ये स्मार्टफोन आता है। स्लिम है लेकिन जिस तरह की बिल्ड है वो स्मर्जेस और स्क्रैचेस बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड सीरियसली मुझे अभी लगने लगा है यार कि ग्लास बिल्ड के साथ ग्लॉसी फिनिश मिल रही है, एक बार को चलता है, लेकिन प्लास्टिक बिल्ड के स्मार्टफोन में तो मैं ज़रूर से चाहूँगी कि कंपलसरी हो जाना चाहिए कि हमें मैट फिनिश के साथ फ़ोन देखने को मिले। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। बट हो सकता है आपका ओपिनियन यार मेरे कॉमेंट सेक्शन में कहीं खो जाए, क्योंकि काफ़ी सारे कॉमेंट्स आते हैं। बट वॉट इफ आई टेल यू कि आपके ओपिनियन की काफी अच्छी खासी वैल्यू हो सकती है और आप उसे अच्छा खासा अमाउंट भी अर्न कर सकते हो अगर आप अपने ओपिनियंस को बिड करने लग जाओ। कैसे? प्रोवो एप्लीकेशन के थ्रू, जो कि एक ओपिनियन बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना कैटेगरी ऑफ इंटरेस्ट चूज करके अपने ओपिनियंस को बिड कर सकते हो। जैसे कि अगर मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट में है तो अभी IPL चल रहा है, तो यहां पर पूछा हुआ है क्या इस बार IPL मुंबई इंडियंस जीत पाएगा, यस और नो में अपना ओपिनियन देना है, और अगर आप इसमें जीत जाते हो तो जो भी अमाउंट होगा वो आपके वॉलेट में आ जाएगा, जिसे आप बाद में अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये चीज है। वैसे इस तरह के जो ओपिनियन बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो कई कंट्रीज में काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन ये इंडिया में
फर्स्ट है। और मुझे ये इंटरेस्टिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि आप अपने ओपिनियंस पर पैसा खर्च कर रहे हो, तो आप ऐसे ही पैसा नहीं लगा दोगे, आप रिसर्च करोगे, नॉलेज गेन करोगे, फिर ओपिनियंस दोगे, तो इससे इवेंचुअली आपकी नॉलेज बढ़ेगी। एंड हो सकता है आपका इंटरेस्ट और भी कैटेगरीज में डेवलप हो जाए क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अलग अलग कैटेगरीज है, तो ओवरऑल आप उनके अराउंड भी रिसर्च करने लग जाओ और अपनी नॉलेज डेवलप कर लो। तो नॉलेजेबल प्लेटफॉर्म मैं इसको बोलूंगी। सेकंड, कॉन्सेप्ट ही कितना ज़्यादा कूल है जहाँ पर रिसर्च और नॉलेज गेन करके आप ओपिनियंस को बिड करके अमाउंट अर्न कर रहे हो। वैसे इसका आंसर मेरा यस रहेगा क्योंकि इस बार IPL महाराष्ट्र में हो रहा है और मुंबई का वो मतलब होम ग्राउंड है बेसिकली, तो जीतने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो मेरा जो यस का बिड है इसका अमाउंट मैं अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकती हूँ, सिंपली स्वाइप फॉर यस करके मेरा बिड यहाँ पर लग जाएगा। रिजल्ट 4 महीने बाद अनाउंस होगा तो देखते हैं क्या होता है, बट आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लिक करके। खैर, इन सबसे अभी अगर आगे बढ़ा जाए और बात अगर की जाए नेक्स्ट फ़ोन की, तो ये फ़ोन उन लोगों के लिए जिनकी कैमराज प्रायोरिटी है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली लो लाइट में फोटोज लेना आपके रिक्वायरमेंट है, आपको पसंद है, देन आप इस फ़ोन की तरफ जा सकते हो, जो है Realme 9 Pro Plus। ये मैंने अभी रिसेंट टाइम्स में ही परचेज़ किया और जितना मैंने इसको यूज़ किया मुझे काफ़ी सही लगा है कैमरास के मामले में। जो इसके अराउंड हाइप बन रही है ना कहीं वर्थ इट है। अभी कुछ लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि M52 में भी तो अच्छे कैमरास थे, देखो अच्छे थे, डे टाइम पर बहुत ही सॉलिड है, लेकिन लो लाइट में उतनी अच्छी फोटोज़ नहीं आती है M52 से जितना इससे आती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हो। सेकेंड, फ़ोन में चिपसेट भी अच्छा दे रखा है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैमरा है तो कैमरा ही अच्छा है, प्रोसेसर भी अच्छा दिया हुआ है, डिस्प्ले अच्छी है, यहाँ पर 60W की चार्जिंग सपोर्ट है, तो ओवरऑल उस हिसाब से भी फ़ोन में काम किया गया है। लेकिन कुछ चीज़ों का अगर मैं बोलूँ ध्यान रख सकते हो, तो वो पहला तो है कि सिर्फ 4 या 5 5G बैंड्स का सपोर्ट ही है। सेकंड, फ़ोन के अंदर आपको मतलब ये जो ग्लास बिल्ट वाला फ़ोन है, लेकिन यहाँ पर जो सनराइज ब्लू कलर है ना, सीरियसली मुझे अब इतना पसंद नहीं आया क्योंकि काफ़ी चमकीला सा कलर है जो कि आँखों में चुभ जाता है। इसका जो ब्लैक और जो ऑरा ग्रीन है वो मुझे फिर भी सही लगे हैं इससे, तो आप चाहो तो इसको एडवाइस की तरह ले सकते हो, लेकिन हाँ कैमराज के लिए ओवरऑल अच्छा स्मार्टफोन है। बाय द वे, जितने भी मैं आपको फ़ोन्स बता रही हूँ अगर आपको उनको परचेज वगैरह करना है तो सबके लिंक्स भी नीचे हैं। बाकी इन सब के अलावा जो अगला स्मार्टफोन मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये काइंड ऑफ मेरा पर्सनल फेवरेट टाइप का फ़ोन रहा है क्योंकि पिछले 5-6 महीने से यूज़ कर रही हूँ और ये एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, मैक्सिमम पार्ट्स में काफ़ी अच्छा साबित हुआ है, बैलेंस्ड फ़ोन नहीं है। बैलेंस्ड में तो क्या होता है ना, चीज़ें मैनेज की जाती है, कई बार कोई चीज़ बहुत अच्छी नहीं होती, कोई चीज़ बहुत बेकार भी नहीं होती। मी 11 लाइट एनी 5G के बारे में बात कर रही हूँ। इसकी ग्लास बिल्ड और लुक्स की वजह से तो ये फोन फेमस है ही है, लेकिन इस फोन का चिपसेट काफी अच्छा है, 5G बैंड्स का सपोर्ट प्रॉपर है, इसकी डिस्प्ले काफी अच्छी निकल के आती है, तो ओवरऑल फोन ही अपने आप में काफी अच्छा है। प्लस जो चीजें यहाँ पर मिस है ना, उसके लिए भी Xiaomi ने सॉल्यूशन दिया है, जैसे कि 3.5mm जैक नहीं है लेकिन बॉक्स के अंदर डोंगल दिया हुआ है, तो वहां पर आप थोड़ा सा मतलब सेव कर सकते हो। एक चीज है कि बैटरी ना 4250mAh की है, जो कि सुनने में कम लगता है, एक्चुअली में थोड़ा है भी आप मान सकते हो, लेकिन चिपसेट जो है वो काफी पावर एफिशिएंट है, तो आपको बैकअप में एज सच कोई कमी फेस नहीं होगी क्योंकि Realme 9 Pro Plus में भी 4500mAh की है, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। तो हाँ, अगर आपको एक ऑलराउंडर टाइप का स्मार्टफोन चाहिए देन आप इसको ले सकते हो, अगर आपको MIUI से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। तो देखो, अभी सिंपल सी बात इतनी है कि ये जो 4 स्मार्टफोन है ये 25,000 की प्राइस में मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट स्मार्टफोन में से काउंट करूंगी। इसके अलावा मुझे कोई ऑप्शन ऐसा लग नहीं रहा था जो मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर पाऊं, तो मैंने नहीं किया है यहां पर। आई नो Redmi Note 11 Pro Plus भी जब तक वीडियो आएगा तब तक लॉन्च हो चुका होगा शायद, तो मैं उसको इंक्लूड अभी फिलहाल तो नहीं करूंगी क्योंकि मेरे को फोन खरीदने पड़ते हैं, तो मैं चाहूंगी पहले मैं रिव्यू कर लूं उसके बाद आपको सजेस्ट करूं कि अच्छा है या फिर बुरा, तो उसका अगर आप वेट करना चाहो तो वेट कर सकते हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा कई सारे फोन होते हैं जो 30,000 के अबव की प्राइसिंग में होते हैं, लेकिन जब सेल आती है तो काफी अच्छे खासे डिस्काउंट मिल जाते हैं, जैसे कि Realme GT Neo 2 23,000-24,000 में मिल रहा था। तो अगर आप महंगा फोन सस्ते में लेना चाहते हो देन मैं वाकई में बोलूंगी कि सेल वगैरह वेट कर लो, क्योंकि Realme के अच्छे अच्छे फोन सेल में मिल जाते हैं अच्छी प्राइसिंग में। बाकी आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, एंड हाँ, एक बार प्रोमो को जरूर से चेकआउट कर लेना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।